वाराणसी में आयोजित काशी फिल्म महोत्सव का हुआ समापन। 3 दिवसीय चलने वाले इस कार्यक्रम में अभिनेता अनुपम खेर, रवि किशन एवं हास्य कलाकार राजू श्रीवास्तव, निर्देशक एवं कलाकार सतीश कौशिक, ड्रीम गर्ल प्रसिद्ध अभिनेत्री हेमा मालिनी सहित कई नामचीन हस्तियों ने भाग लिया। यह कार्यक्रम 27 सितंबर 2021 से लेकर 29 दिसंबर 2021 तक चला, जिसमें बॉलीवुड सिंगर रविकांत त्रिपाठी ने भाग लिया। इस कार्यक्रम को फिल्म बंधु उत्तर प्रदेश सरकार एवं सूचना विभाग उत्तर प्रदेश सरकार ने आयोजित किया था। देखिए हमारे संवाददाता गौरव मारुती की रिपोर्ट। काशी फिल्म फेस्टिवल के समापन समारोह में काशी आए हुए हैं, कैसा लग रहा है आपको काशी की धरती पर आकर? विश्व के प्राचीनतम शहर काशी में यहाँ आके तो हर आदमी को बिल्कुल हर हर बम्बम महसूस होता है, तो मैं भी एकदम हर हर बम्बम महसूस कर रहा हूँ, आनंद आ रहा है। आज के समापन कार्यक्रम में, आपके प्रस्तुति कार्यक्रम में, आप उसमें क्या खास कुछ ऐसा रहेगा जो काशी वासियों पे याद रहे, ऐसा क्या आप करेंगे? देखिए, एक तो ये है कि मैं इसी मिट्टी का हूँ, इसी उत्तर प्रदेश का, तो अपनों के बीच में जो कुछ परफॉर्म करने का एक्साइटमेंट है वो बहुत ज़्यादा है। फिर ये है, बाबा की नगरी पे अगर गा रहा हूँ तो उनका आशीर्वाद मिलेगा, और कुछ मैं बॉलीवुड में तो हूँ, इंडियन आइडल या फिल्मों में गा रहा हूँ, बट मैं कुछ सुनाऊँगा मिट्टी की चीज़ें, कुछ ऐसे फोक जिनको अगर फोक के नाम पर कई बार लोग डर जाते हैं कि कहीं अश्लील ना हो, फूहड़ ना हो या घर परिवार ना सुन सकें। तो मेरा एक मुहिम भी है, मेरा लक्ष्य भी है कि हम ऐसा फोक सुनाई जो आप सब घरे बैठ के अपने घरे में महतारी बहन सामने साथे बैठ के सुन सका और आनंद ले सका। तो वह प्रयास करा कि दो तीन गाना हम ऐसे सुनाई जो अवधि में हुए, अपनी भाषा में हुए। और सर, आप काशी विश्वनाथ मंदिर गए, वहाँ आपने भव्य कॉरिडोर को देखा, वो आपको कैसा लगा? कैसा लगा काशी विश्वनाथ का नया रूप देखकर आपको? अगर दिल से बताऊँ तो ये असंभव सा काम था। जो अब मैं मोदी जी को मैं कितना धन्यवाद दूं, और ये योगी जी को, जिन जो लोग भी इन्वॉल्व थे इस काम में, ये ऐतिहासिक काम हो गया। मतलब ये इतिहास बना है जो भी बना है। पहले भी आते थे बनारस और विश्वनाथ जी का दर्शन करते थे, और वहाँ की बहुत सी चीज़ें ऐसी थी जो देख करके बड़ा मन खिन्न हो जाता था, लेकिन आज तो आह्लादित हो गया मैं। देखिए ना, त्रिपुण लगा के मैं आया हूँ क्योंकि उनका दर्शन किया, और कॉरिडोर से जो सीधे माँ गंगा दिखती हैं, और जो ऐसे लगता है कि हम कहीं और ही आ गए हैं। अगर कोई किसी की आँख में पट्टी बांध के, जो आदमी 5 साल पहले आया हो विश्वनाथ जी दर्शन करने, और आँख में पट्टी बांध के छोड़ दीजिए, तो विश्वास नहीं करेगा कि वो उसी विश्वनाथ जी के मंदिर के प्रांगण में है जो पहले हुआ करता था। अद्भुत अद्भुत कल्पनीय। काशी फिल्म फेस्टिवल के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को क्या संदेश देना चाहेंगे? हमारी दिली इच्छा है और हमारी हम सब की भावनाएं हैं कि आप जैसे देश के लिए राष्ट्र प्रेम से ओतप्रोत होकर के सारा काम कर रहे हैं, जिसमें हर तबका, गरीब अमीर छोटा बड़ा, पहले पायदान से लेकर के आखिरी पायदान तक का आदमी आपके साथ है, और हम सब जितने लोग हैं, हम कलाकार आपके साथ हैं, पूरी युवा टीम आपके साथ है, और आप बिल्कुल ऐसे ही काम करते रहिए। हम लोगों के लिए आप ऐसा कुछ हो रहा है कि हमारा पूरा भारत बदल रहा है, तो हम ये देख रहे हैं कि नए भारत की नई तस्वीर। सर, काशी फिल्म फेस्टिवल में आज समापन हो रहा है, आपको कैसा लग रहा है काशी फिल्म फेस्टिवल में? सर, यूं तो हमारे देश की एक पहचान है फिल्म जगत, और वहाँ से जितनी बड़ी बड़ी जो हमारे हीरो और बहुत सारे जो निकले हैं, एक से एक हीरो हीरोइन और बहुत सारे पर्दे के मतलब शेर सब, तो वो खुद ही अपने आप में बहुत उम्दा चीज़ हैं। लेकिन और वो जो इस तरीके का आयोजन जो काशी में हो रहा है, तो काशी तो गदगद है ही। जितने बड़े लोग आए, हेमा जी आई कल, और अनुपम खेर साहब आए, और बाकी सभी लोग आए, तो हम सभी लोग, तो मैं तो काशी का हूँ, तो मैं स्वागत के लिए खड़ा हूँ कि वो हमारे घर आए हैं और बाबा विश्वनाथ की नगरी में आए हैं, तो वो ऐसे ही हम हमेशा बने रहें, आर्टिस्ट रहें, बिल्कुल हमारी फिल्म जगत को बढ़ाते रहें, और बच्चों बच्चों की उम्मीद रहती है फिल्म जगत से।
और आज इस समापन समारोह में मुझे भी एक छोटा सा अवसर मिला है कि मैं भी अपनी सांस्कृतिक प्रस्तुति कर सकूं, और जिसमें एक बहुत अच्छा टॉपिक भी मुझे यहाँ जो आयोजन समिति है उसके द्वारा दिया गया है, मैं उसी के केंद्र बिंदु में रहना चाहूँगा। उन्होंने मुझे कहा कि काशी फिल्म फेस्टिवल हो रहा है तो काशी के जो पहचान है सांगीतिक दृष्टि से और संस्कृति के दृष्टि से, तो ये एक महान मतलब पहचान है। ये तो बहुत सारी ऐसी सांगीतिक चीज़ें हैं जैसे लोक से भी आप पर आधारित है, और शास्त्रीय और उपशास्त्रीय की बहुत सारी चीज़ें हैं जिसे रविशंकर जी और बिस्मिल्ला खान साहब और हमारे राजन साजन जी और गिरजा देवी जी ऐसे लोग हमेशा इसको गाते रहे हैं, और उन बहुत सारी चीज़ों को फिल्मों में बहुत सुंदर तरीके से प्रस्तुत किया गया है, मतलब और उसको बढ़िया तरीके से जैसे फिल्म के लिए प्रस्तुत किया जाता हो, उन चीज़ों का झल भी थोड़ी बहुत मैं प्रस्तुति देना चाहूँगा और उन्हीं चीज़ों को दिखाना चाहूँगा। अभी तक बॉम्बे में ही, मुंबई जैसे शहरों में या इंदौर जैसे बड़े शहरों में ही फिल्म फेस्टिवल जैसे आयोजन बॉलीवुड की तरफ से किया जाता था, अब काशी में भी फिल्म फेस्टिवल का आयोजन हो रहा है, तो आपको नहीं लगता कि इससे काशी की तस्वीर विश्व पटल पे और अन्य जगहों पर एक नई रूप में उभरेगी? देखिए, काशी अपने आप में स्वर्ग है, धरती का एक महान अंश जिसको कहते हैं वो है, शिव के त्रिशूल पे बसी हुई चीज़ है। आज जो हो रहा है ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था, तो मैं प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जो हमारे हैं नरेंद्र मोदी जी और योगी साहब, मैं उनका आभार प्रकट करना चाहूँगा कि इस तरीके के आयोजन को बनारस में करने का विचार किया गया है, और उनके सहयोग से एक असंभव कार्य जो ऐतिहासिक चीज़ें हैं उसके पृष्ठ बदले जा रहे हैं, तो इतिहास जस का तस है, लेकिन